पढ़ेंगे सेंट्रल डोगमा की, सेंट्रल डोगमा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। सेंट्रल डोगमा के बारे में, जब ये दो प्रकार का होता है, एक तो डीएनए टू डीएनए होता है ड्यूरिंग दी ट्रांसमिशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, यानी डीएनए टू डीएनए होता है ट्रांसमिशन होता है। दूसरा है डीएनए टू प्रोटीन होता है ड्यूरिंग इट्स फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन इन एनी ऑर्गेनिज्म, जब फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन हो जाता है इसी ऑर्गेनिज्म के अंदर तब डीएनए टू प्रोटीन होता है ट्रांसमिशन, ठीक है। तो ये दो स्टेप का नाम, दो स्टेप में डीएनए टू डीएनए और डीएनए टू प्रोटीन, ठीक है। दूसरा है, अब अलग बात है, जो आरएनए वायरस होता है उसके अंदर क्या रेप्लिकेशन होता है, जब आरएनए वायरस के अंदर जो जब इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होता है आरएनए टू आरएनए होता है, कुछ जो ट्रांसफर होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन होता है, ये दो स्टेप के अंदर होते हैं। एक तो ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, जब ट्रांसफर होता है इन्फॉर्मेशन का डीएनए टू आरएनए होता है, ठीक है। और एक है ट्रांसलेशन होता है, जो ट्रांसफर होता है इन्फॉर्मेशन का आरएनए टू प्रोटीन होता है, ठीक है। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जैसे फ्लो होती है, जैसे आरएनए टू डीएनए ड्यूरिंग दी कन्वर्जन ऑफ जीनोम के अंदर, ठीक है। ये क्या है, आरएनए ट्यूमर वायरस के अंदर होती है, ठीक है। अब क्या है, ट्रांसफर होना जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए टू आरएनए समटाइम वो रिवर्सिबल होता है, और जब ट्रांसफर होता है इन्फॉर्मेशन का आरएनए टू प्रोटीन ऑलवेज रिवर्सिबल होता है, ये रिवर्सिबल होगा डीएनए टू आरएनए, और ये क्या है आरएनए टू प्रोटीन ई रिवर्सिबल होता है। तो इसमें कुछ समझा गया है, ठीक है, ऐसे ही।